इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें भाग 4। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि स्तूप क्यों बनवाए जाते थे। यह प्रश्न आपके भी दिमाग में उठा होगा। सब कोई जानते हैं कि स्तूप बनता था, लेकिन क्यों, कैसे, क्या कारण था, चलिए जानते हैं उसके बारे में। ऐसी कोई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। बहुत सारे जगहें थी जिनको लोग पवित्र मानते थे और इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े हुए कुछ सबूत वहां पर मिलते हैं। जैसे मैं देखा जाए तो उनकी अस्थियां, चाहे उनके द्वारा प्रयुक्त सामान वहां पर गाड़ दिया गया, उनका कुछ सामान वहां पर गाड़ा दफनाया गया हो, और इन टीलों को स्तूप कहते हैं। वहां पर बनाकर उनको स्तूप का नाम दे दिया गया। स्तूप बनाने की परंपरा बेशक बुद्ध से पहले ही रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गया। चूंकि उनमें से ऐसे अवशेष रहते थे, उसमें से ऐसे अवशेष मिले, सबूत मिले कि जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसीलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिल गई। एक किताब है अशोकावदान। तो अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर और उनके ऊपर स्तूप बनाने का एक आदेश दे दिया कि भैया यहाँ पर स्तूप बनवाओ, पैसा हम दे रहे हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, क्या नाम है यहाँ पर, भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर मानचित्र एक में देखिएगा तो बताया गया है ऐसे स्तूप बना दिए गए। तो 3-4 स्तूप पहले बना दिए गए, उसके बाद से फिर चालू हो गया बनना। अब यहाँ पर एक और है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। चलिए इसके बारे में एक उदाहरण से जान लेते हैं। यह उदाहरण महापरिनिर्वाण सूत्र, एक किताब है, ग्रंथ है। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में सूत्र से लिया गया है, जो सूत पिटक का हिस्सा है। सूत पिटक के हिस्से से ही इसको भी उठाया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा क्या पूछा। भगवान हम तथागत बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे, दूसरा जो नाम उसका क्या करेंगे। बुद्ध ने कहा तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, विशेष आदर देकर अपने आप को मत रोको, धर्म उत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो, क्योंकि दूसरा कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापदों के चौक पर थूप स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए हर महापदों पर, हर मतलब इलाके में, हर शहर में बनाने चाहिए। जो भी वहां धूप या माला चढ़ाएगा, जो भी वहां पर धूप या माला चढ़ाएगा या वहां सिर नवाएगा या वहां पर हृदय से शांति लाएगा, तो उन सबके लिए वह चीर काल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। समझो फिर से, या वहां सिर नवाएगा या वहां पर हृदय में शामिल शांति लाएगा, उन सबके लिए वह चीर काल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा, क्योंकि उसका मन शांत हो जाएगा, उसका तन शांत हो जाएगा, उसका कर्म शांत हो जाएगा और अपने सारे ऊर्जा को एक सही काम में लगाएगा तो उसकी इज्जत चारों दिशाओं में की जाएगी। स्तूप की संरचना यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। स्तूप संस्कृत अर्थ टीला। तो स्तूप को पहले टीला बोलते थे संस्कृत में, लेकिन अब हिंदी में उसको स्तूप ले लिया गया, क्योंकि पाली में उसको थूप बोले जाते थे। तो स्तूप का जन्म एक गोलार्ध के लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ था, क्योंकि मिट्टी का टीला पहले गोल ही बनाए जाते थे, उसी का अनुसरण करते हुए वो लोग वहां पर स्तूप बनाने लगे, जिसे बाद में अंड कहा गया। क्या जी? अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया, चौकोर और फिर उसमें गोल आकार का संतुलन ऊपर से बना दिया गया, और अंड के ऊपर एक हार्मिक होती थी, छेद जैसा, चाहे ऊपर कुछ लगा दिया जाएगा तो ऊपर एक हार्मिक होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा होता था। तो छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था, इसलिए उसको हार्मिक के रूप में बनाए जाते थे। हार्मिक से एक मुस्तुल निकलता था,
मुस्तूल क्या होता है? आर्मी से एक मुस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, मतलब एक लोहा का कुछ निकलता था, ऊपर से लोग छतरी लगा देते थे उस पे, कोई कारणवश होगा छतरी लगाने का। टीले के, देखो आपके जैसा राइटिंग यहाँ पर लिखा गया है, हाँ, ये सांची का एक धनात्मक अभिलेख है, ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरहुत और अमरावती में भी मिले हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा, टीले के चारों ओर, और जितना भी स्तूप बनता था उसके चारों ओर एक वेदिका होती थी, वेदिका मतलब एक बाउंड्री जैसा, तो वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग रखती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाओं और तोरण का इस्तेमाल किया गया है। और सांची और भरहुत का स्तूप जो है उसमें कोई भी पिलर नहीं दिया गया है, क्योंकि पूरा वेदिका, जितना भी सांची का स्तूप बना है चाहे भरहुत का, पत्थर से ही बना है, पत्थर से उसका छाजा दीवार सब उसी पत्थर का ही है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी, एकदम बांस और काठ किस तरह घेरा होता है ना, वैसे ही समान थी, और चारों दिशाओं में खरे तोरणदार पर खूब निकासी की गई थी, और जो चारों दिशाओं में जो तोरणदार था, छाजा था, उस पर निकासी बहुत अच्छा तरीका से किया गया था। उपासक पूर्वी तोरणदार से, उपासक जो थे तब पूर्वी तोरणदार से प्रवेश करके टीले को दाई तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। वो लोग क्या करते थे, दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मतलब जिस तरह घड़ी घूमता ना वैसा वो लोग परिक्रमा करता था वहां पे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ पर अनुसरण कर रहे हो, ऐसा वहां पर लगता था। बाद में जब हम देखेंगे तो स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाती थी, और जो स्तूप का ऊपरी भाग होता था उस पर भी वो लोग कुछ ना कुछ बनाया करते थे, नक्काशी किया करते थे। अमरावती और पेशावर, जो अभी पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है, तो अमरावती और पेशावर का स्तूप देखोगे तो उसमें शाहजी की, किसके, शाहजी की डेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि अमरावती और पेशावर के इलाके में जाओगे आप तो वहां पर जो स्तूप मिलेंगे उस पर मूर्ति की कलाकृति की गई है, मूर्तियां बनाई गई है उसपे, यह भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये समझो बीच वाला वेदिका है, ये आपका टीला है, और ये आपका चारों तरफ से बाउंड्री बनाए जाते थे कि इसमें कोई दूसरा प्रवेश न कर जावे, और ये अशोक ने बनवाया था, तो अशोक स्तंभ इधर को देखने को मिल रहा है, चारों तरफ ये देखने को मिलेगा। और देखो छतरी जैसा ऊपर लगा दिया जाता था कि पानी आवे तो शायद नीचे ना गिरे, नहीं तो बिजली आवे तो टकरा कर चल जावे, इसीलिए भी उसका इस्तेमाल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया होगा, लगाया गया होगा, क्योंकि उस समय का जो खगोल शास्त्र था वह भी कम नहीं था, वह भी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा उसका महत्व रखते थे लोग। और ये देखिए महास्तूप की ऊंचाई उद्वस्त परिवेक्ष में, ऊपर की ऊंचाई, और यह सांची के महास्तूप की योजना, यह उस इमारत का समलीय परिक्षेप, सॉरी परिप्रेक्ष्य दिखाता है, पूरा उस ढांचा का यहाँ पर मानचित्र दिखाता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितना ऊंचा है और कितना बड़ा है। आगे हम पढ़ेंगे अस्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। अस्तूपों की खोज की गई तो उस समय अमरावती और सांची की अस्तूपों के बारे में यहाँ पर समझ में आया। जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है, अलग अलग कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने थे, साथ ही साथ उनकी खोज का भी इतिहास है यहाँ पे। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नजर डालेंगे तो 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनवाना चाहते थे, स्थानीय राजा 1796 में जो मंदिर बनवाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष उनको मिल गए, और उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय कर लिया कि अमरावती में जो पत्थर लगे उसका इस्तेमाल हम करेंगे। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा होगा, हो सकता है। और कुछ वर्षों के बाद कोलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरा, 7 में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब वो गुजरा तो वहां से
हालांकि उसने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। क्यों नहीं छपी भाई? मार उड़ दिया होगा सब, चाहे छीन लिया होगा सब। ये सांची का पूर्वी तोरणद्वार है, देखो छज्जा जैसा किस तरह बना गया है। ये सजीव मूर्तियों को देखिए यहाँ पे। यह पहल का गेट है, दरवाजा है, चौखट है, जहां से आप अंदर जा सकते हैं स्तूप में। कभी जाओ, आपको भी जाने में अच्छा लगेगा, समझने में भी अच्छा लगेगा। शायद यहाँ पर हाथी घोड़ा बांध दिए जाते होंगे, कोई दूसरा इसमें ना घुस जाए। कुछ भी हो सकता है, उस जमाने की बात है, हमें क्या मालूम इसके बारे में कि इसमें सोना लगा था कि चांदी लगा था कि हीरा लगा था कि मोती। पहले तो इन सब का महत्व तो बहुत ज्यादा था, अब पता नहीं। अभी भी है, अभी भी हम उसको अपने ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मानते ही हैं, ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं मानते हैं। 1854 में बात कर लूं तो गंटूर, जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, तो गंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की, तो गंटूर का कमिश्नर अमरावती गया और उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। कहाँ ले गए? मद्रास। मद्रास क्या? चेन्नई, जिन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। अब यहां से ले गया, लेकिन उसका नाम से उस पत्थर को जाना जाता है, उसको बदल कर नाम बदल देना चाहिए। उन्होंने पश्चिम तोरणद्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप जो था बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 से बात कर लूं तो 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाया जा रहा था। अलग अलग जगह पर उनको लेकर जाते थे कुछ बनवाने के लिए। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी फॉर बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडियन ऑफिस के पास पहुंचा और कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए थे। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में, बाग क्या, उनका बगीचा में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी, आसानी से उनके घर में मिल जाता था। यहाँ पर वस्तुतः देखेंगे तो इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कि कुछ मूर्तियां वहां से उठा ले जाता था, वहां पर जो भी अधिकारी आता था, तो अधिकारी यह कहकर कि कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था और कुछ ना कुछ नया बहाना बनाकर कुछ ना कुछ ले जाता था। और उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया, खूब लूटा और अमरावती का स्तूप को लूट लूट कर बलात्कार कर दिया उस सबका। HH कोल ये नाम है उनका। HH कोल उन मुट्ठी भर लोगों में से थे जो अलग सोचते थे, हमेशा अलग सोचते थे, वह भी अफसर थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और आत्मसमर्थनीय नीति लगती है। मतलब इस देश के प्राचीन कलाकृति को लूटा जा रहा है, यह हमें अच्छा नहीं लगा, इसका हम समर्थन नहीं करते हैं, इसके विरुद्ध खड़े होते हैं। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर संग्रहालय में मूर्तियों के प्लास्टर प्रकृति प्रकृतियां रखी जानी चाहिए। वहां पर प्रतीक के रूप में देखा जाए तो प्रतीकियां, वहां पर प्लास्टर रखो ना, उसकी डुप्लीकेट मूर्ति बनाकर रखो, ओरिजिनल कहाँ ले जाते हो जी? जबकि असली आकृतियां खोज की जगह पर हो, जहां पर उनको खोजा गया है वहीं पर वो हो, उसको वहां से कोई लूट करना ले जाए। लेकिन यहाँ पर है कि दुर्भाग्य से कुल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए। यहाँ पर साफ बात है कि दुर्भाग्य के तौर पर उन लोगों ने, जो कोल थे, अधिकारियों को अमरावती पर वो राजी नहीं कर पाए इसीलिए। लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बातों को सांची के लिए मान लिया गया। यहाँ पर साफ लिखा जा रहा है कि लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया, कि उसको खोज करेंगे लेकिन उसको संरक्षित रखो। तो संरक्षण को मान लिया गया, संरक्षण के बात को वो लोग स्वीकार कर लिए। सांची क्यों बच गया? सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, इसीलिए वह लूट लिया गया और ये सांची बच गया। तब तक देखा जाए यहाँ पर, तो विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेषों को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित रखना चाहिए, वहीं पर संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि यही महत्वपूर्ण था।
1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके तीन तोरणदार तब गिर मतलब खड़े थे, तीन तोरणदार वहां पर खड़े थे, लेकिन चौथा वहीं पर गिर गया था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव लोगों ने दिया, अधिकारियों ने दिया कि तोरणदारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब फिर एक छोटा सा टीला है। जो अमरावती का महाचैत्य सबसे बड़ा जो स्तूप था, और बस एक छोटा सा टीला के रूप में वहां पर रह गया है, जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको बना दिया जाए फिर से, कि हमारे इतिहास को फिर से लोग याद कर सके। यहाँ पर देखिए तस्वीर, तोरणदार का एक हिस्सा, तोरणदार का एक हिस्सा यहाँ पर दिखाया गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को यहाँ पर खुलते हुए दर्शाया गया है, अलग अलग दर्शाया गया है? यहाँ देखो किस तरह एक नक्काशी बना दिया गया है, लगता है कि पूरा नक्काशी पूरा इधर धरोहर को यहाँ पर छापी दिया गया है। हम जो लिखते थे वो लोग बना देते थे, आज हम लिख कर समझ लेते वो लोग बनाकर समझाते थे, यही कुछ अंतर था हमारे बीच में। अब देखते हैं मूर्तिकला। हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से अस्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया था, और मूर्तियों को अस्तूप से उठाकर सभी अस्तूपों से निकालकर यूरोप लेकर चला गया सब। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें यह बहुत खूबसूरत, बहुत यहाँ पर बहुत खूबसूरत लगा, मूल्यवान लगा, इसलिए उन लोगों ने उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखते हैं। पत्थर में गढ़ी कथाएं, पत्थर में गढ़ी कथाएं कुछ है वहां को जान लेते हैं। तो आपने ऐसा घुमक्कर कथावाचकों को देखा होगा जो घूम घूम कर कथा बोलते हैं, अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्र चित्रांकन को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तो तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं कि भैया ये चीज है, हम देखिए यहाँ पे। यहाँ पर आप जब चित्र देखोगे 4.13, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि पहली बार उसको देखोगे तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी मतलब खार पतवार की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रांकन उसमें किया गया है। परंतु वे कला इतिहासकार वहां पर देखा जाए तो वो कला जो था, इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है और इसे वेशांतर जातक से लिया गया है, वेशांतर जातक की किताब है, ग्रंथ है, वहां से इसको लिया गया है, एक दृश्य बनाते हैं यहाँ पे। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जो बहुत बड़ा दानी था, जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित यहाँ पर लिखित साक्ष्य के साथ तुलना के द्वारा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से किया गया था। जो मैंने 4.13 की बात किया है, तो यहाँ पर देखो इसके बारे में यह चित्र बनाया गया है। उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर फूस का खर का यहाँ पर झोपड़ी बनाया गया है ना, और बाकी एक गांव को यहाँ पर चित्रित किया गया है, पूरा का पूरा गांव चित्रित कर दिया गया है, जहां पर लड़कियां भी उस समय घोड़सवारी करती थी, घोड़ा चलाती थी, जहां पर दो दो तीन तीन लड़कियां भी घोड़ा चलाया करते थे, मर्द लोग खाली खटने का काम करते थे। तो वो जमाना था अपना, आज का जमाना है कि औरतों को लोग कम समझते हैं, और जिस औरतों को जिस लड़कियों को ज्यादा छूट दिया जाता है वो फालतू का काम करने लग रही है। जहां पर उनको पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है तो वहां पर उनकी इश्कबाजी चालू हो जाती है, वहां पर प्यार मोहब्बत चालू हो जाता है। लड़कों का भी वही हाल है, तुम्हें भेजा जाता है काम करने के लिए, तुम वहां पर फालतूगिरी चालू कर देते हो, भैया समझोगे कि हमसे बड़का महान कुछ नहीं है, हम ही है तो सब कुछ है, तो तुम नरक के टुकड़े हो, तुम नरक के बच्चे हो, तो तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, तुमको कौन समझा सकता है। इसीलिए बोलते हैं जिंदगी में वो काम करना जो सबसे अनोखा हो, जिंदगी में वो काम ना करना जो दरिद्रता का प्रतीक हो जाए। यहाँ पर हम आगे देखेंगे उपासना के प्रतीक क्या होते हैं, क्या है ये उपासना का प्रतीक।
उसके पहले ये चित्र है उसके बारे में आपको बता दूं। नीचे दाईं ओर देखिएगा तो बोध वृक्ष की पूजा चित्र में वृक्ष दिखाया गया है, जो यहाँ पर वृक्ष की पूजा लोग करते हैं। ठीक है, आसन और उसके चारों ओर, आसन और उसके चारों ओर जन समुदाय के चित्रण पर ध्यान दीजिएगा। चारों तरफ देखो किस तरह लोग वहां पर बैठे गए बैठे हुए हैं, ये आसन के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं, है कि नहीं। तो चित्र 4.15 नीचे मध्य में जब देखिएगा तो ये मध्य वाला, तो स्तूप की पूजा की जा रही है। यहाँ पर तो सब लोग बैठे हैं, स्तूप की पूजा की जा रही है, लेकिन 14.15 कौन सा है? सबसे दाईं ओर से इधर से आ रहा है। और उसके नीचे चित्र 16 देखिएगा तो नीचे बाईं ओर बाईं की तरफ यहाँ पर धर्म चक्र है, उसको दिखाया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन, यहाँ पर देखो धर्म चक्र के बीच में ये लोग कैसे यहाँ पर साथ में हैं। यहाँ पे एक धार्मिक चक्र है जहां पर लोग इनके सम्मान करते हैं और करते थे। चलिए देख लेते हैं उपासन के प्रतीक बौद्ध मूर्ति कला को। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी, क्योंकि जब तक बुद्ध को नहीं समझोगे तो बौद्ध मूर्ति कला को कैसे समझोगे। तो बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न देखकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। उदाहरणतः तो यहाँ पर देखा जाए तो रिक्त स्थान चित्र संख्या 4 से 14, 4 से यहाँ पर 4 14 देखोगे तो पूरा तीनों का तीनों 4.14 बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप यहाँ पर दिखाए जाते हैं, और 15 में महापरिनिर्वाण के प्रतीक यहाँ पर बनाए गए हैं, और चक्र का भी प्रतीक के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, प्रातः किया गया है। चित्र 4.16 आप देख सकते हैं यहाँ पे। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। कौन? 16 वाला। और जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसे मूर्ति कला को अक्षर से नहीं समझा जा सकता है, उदाहरणतः तो यहाँ पर देखा जाए तो पेड़ का तात्पर्य जो था केवल एक पेड़ नहीं था, वरना यहाँ पर देखा जाए तो उदाहरण तो और है कि वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था, तो वहां पर बुद्ध के जीवन का एक अंश बीता है। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने। जैसे ये मूर्ति आप देख सकते हैं, ये मूर्ति है चित्र 4.17, तोरणद्वार पर एक स्त्री की मूर्ति बनाई गई है। देखो कितना सेक्सी मूर्ति बनाई गई है। हाँ, थोड़ा मुंह से पानी कम गिरा और टपकाओ नहीं। आगे हम देखते हैं लोक परंपराएं। क्या चीज? लोक परंपराएं। पहले की लड़कियां देखो किस तरह कमर बेल्ट पहना करती थी। हाँ, ऐसे कमर बंद, अब बेल्ट नहीं, कमर बंद इसको बोलते थे। तो कमर बंद अब कहाँ बनता है ऐसा? लोग को महंगा लगता है, पतला पतला बनाकर पहन लेता है। जो अमीर लोग हैं वो पहनते होंगे भैया। और जो मूर्ति बनाया होगा, क्या खूब मूर्ति बनाया होगा, समझो कितना सेल्फी लिया होगा अपना, चाहे किसी और के साथ सेल्फी लिया होगा। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी हुई नहीं थी। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि सांची में जितने भी मूर्तियां बनाई गई है वो बौद्ध धर्म से, बौद्ध मत से नहीं जुड़ा था। और इनमें से देखा जाए तो कुछ स्तूप में तो कुछ सुंदर स्त्रियों का भी मूर्तियों में उत्कीर्णित है। यहाँ पर सुंदर स्त्री भी मूर्ति के रूप में बनाए गए हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखाई गई, जैसा अभी तस्वीर में आप देख रहे हो। चित्र 4.17 में आप देखोगे, दिखती है ना? हाँ दिखती है, देखो यहाँ पर दिख रही है। आगे चलते हैं। शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्तियों के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस थे, नहीं समझ पाए थे, और इस मूर्ति का त्याग और तपस्या, यहाँ पर समझो, इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता है, लेकिन साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन से वे समझ पाते हैं कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित साल भंजिका की मूर्ति है। और साल भंजिका की मूर्ति, छोड़ो साल भंजिका, इतनी खूबसूरत थी कि क्या से क्या कर देती थी। पढ़ते हैं यहाँ पे तब बताते हैं।
लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने पर वृक्ष में फूल खिल जाते थे, खिल उठते थे। मतलब वृक्ष को छूती थी तो वृक्ष फूल देने लगते थे, इतना सुंदर थी, और फल होने लगते थे, इतना सुंदर थी। हाँ भैया, आप दूसरे फल के बारे में समझ रहे होंगे, आप दूसरे वृक्ष के रूप में समझ रहे हो, फूल दे रहा है और फल आने वाला है, वो नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर लिखा, जब वृक्ष को, पेड़ को छूती है तो उसमें फूल आ जाते थे और फिर फल भी होने लगते थे, वहां से फूल के बाद फल आएंगे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था कि एक लड़की यह शुभ है, और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त है। स्तूप के अलंकरण में इसको, मूर्ति के संरक्षण में इसको बनाया गया है। साल भंजिका के मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व, यहाँ पर समझो कि साल भंजिका के मूर्ति से यह पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व, बुद्ध से पहले, और बुद्ध धर्म से इतर दूसरे, इतर का मतलब उसके अलावा, इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। दूसरे की बात ना मानकर अपने धर्म को, बुद्ध के मरने के बाद का यहाँ पर बात आ रही है, बुद्ध पूर्व। तो बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने दूसरे धर्म से ज्यादा विश्वास इस पर किया, इसको बहुत अच्छे से समृद्ध बनाया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीकों का चिन्ह इसमें निश्चित ही है कि दिखाया गया है। तो सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही कई परंपराओं से उभरे हैं, बहुत ज्यादा परंपराएं यहाँ पर दिखाई गई है। उदाहरण के लिए है तो जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्ण यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल है। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णित किया गया है, लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों को यहाँ पर चित्र के रूप में बनाया गया है। साथ ही देखा जाए तो जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति का और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल, कौन दल, कमल दल और हाथियों के बीच में महिला की मूर्ति प्रमुख होती थी। हाथी के बीच में महिला की मूर्ति बनाए जाते थे, और चित्र दशमलव आप 4.19 में आप समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे बताते हैं, तो ये 4:18 हो गया जिसमें हाथी को दिखाया गया है, और 4:19 ये है जहां पर देखो हाथियों के बीच में एक स्त्री को, सुंदर स्त्री को बनाया गया है, लेकिन इसमें कपड़ा उपड़ा पहनाया गया है इनको, लेकिन इनको जंगल की देवी के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। जलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, हाथियों की देवी, क्या चीज, हाथियों की देवी। यहाँ पर समझो, अतीत से प्राप्त चित्र, पत्थर की कलाकृतियां लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती थी। पत्थर की जो कलाकृति थी लंबे समय तक बच जाती थी, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे, और उनमें जो सबसे अच्छी हालात में बचे हुए हैं तो वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जाओगे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में तो अजंता की गुफा मिलेगी। तो अजंता की चित्रकारी काफी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की परंपराएं यहाँ पर, उनके कथाएं देखते हैं। इनमें देखा जाए, अंदर जाओगे अजंता की गुफाओं में तो राजा दरबार का जीवन देखने को मिलेगा, राज दरबार कैसा चलता था उसके बारे में, और शोभा यात्रा, काम करते हुए स्त्री पुरुष अनेक प्रकार के काम करते हुए दिखाए गए हैं, और वह भी काम करते हैं जो आप सोच रहे हो, और त्योहार मनाने के चित्र भी वहां पर दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिवम रूप देने के लिए अभावेद तकनीकों का प्रयोग किया है। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते थे, लगता था कि अभी बनाया गया है। ये 20 नंबर चित्र देखोगे, अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवकों पर गौर कीजिए, एक राजा का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है।
चित्र 21 देखिए, सांची में सर्प को बनाया गया है उसका शेषनाग। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं। वो हाथी की जो देवी थी गज देवी, गज लक्ष्मी, जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हो। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध के माँ माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें लोकप्रिय देवी गज लक्ष्मी मानते हैं, हाथियों की देवी। तो गज लक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्होंने प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। गज लक्ष्मी को हाथियों के साथ ही जोड़ा जाता था। यह भी संभव है कि हो सकता है कि इन उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया या गज लक्ष्मी दोनों से जोड़ देते थे। कई स्तंभों पर देखिएगा तो आपको सर्पों को भी दिखाया गया है, सर्पों का चित्र भी दिखाया गया है, जैसे चित्र 4.21 में दिखा है। यह प्रतीक भी ऐसे लोक परंपराओं से लिया गया एक प्रतीक होता था, सबूत होता था, जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात तो यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प, यहाँ पर साफ है, फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। मतलब जंगलों में बनाए जाते थे, तो जंगलों के देवी देवताएं जितने भी उसमें होते हैं, अनेक प्रकार का जीव, उनके लिए ये रखा गया हो। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे, बौद्ध साहित्य को नहीं जानते थे। जब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। और बुद्ध के बारे में पढ़ा तो उनकी विचारधारा कुछ बदली, तो ये कुछ अलग सोच पाए। ये चित्र 4.22 है, जिसमें पहली सदी की बुद्ध मूर्ति यहाँ पर दिखाया गया है, जो मथुरा में बना हुआ है। और ये मूर्तियों का मैंने अनेकों बार देख चुके हैं, इसलिए इंटरेस्ट इसमें आपका होगा ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे नई धार्मिक परंपराएं। तब तक आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी संदेह हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं। चाहे सलाह देना चाहते हैं, चाहे आपको कुछ दूसरा बुक चाहिए, फिर भी आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।